नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है इस रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज़ में। इन वीडियोस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम डेली क्विज के क्वेश्चंस को। मेरा सुजेशन है कि अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम और बाद में इस वीडियो को देखें। टू मेक इट इजी, वी विल डिस्कस ओनली 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद डिफेमेशन, आईपीसी। पहले हम देखते हैं आईपीसी के बारे में। इंडियन पिनल कोड, ये एक कोड है जो 1860 में लाया गया था और इसका मकसद था कुछ टर्म्स को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ डिफेमेशन, व्हाट इज़ मर्डर, व्हाट इज़ सुसाइड, व्हाट इज़ थेफ्ट, व्हाट इज़ रेप एट्सेट्रा। सभी टर्म्स को डिफाइन करता है इंडियन पिनल कोड। लेकिन अगर कोई पर्सन मर्डर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसकी पनिशमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा आता है सीआरपीसी में, जो कि 1973 में आया था। ये क्या बताता है, प्रोसीजर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिफेमेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर है 499। एक आपने टर्म सुनी होगी सेडिशन, ये आती है सेक्शन 124A के अंदर। सिमिलरली आपने 300 याद रखना है, सेक्शन 300, ये डिफाइन करता है मर्डर को, कौन से एक्ट को हम मर्डर बोलेंगे। 420 डिफाइन करता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी सेलर ने आपके साथ डिसऑनेस्टी या फिर चीटिंग कर दी, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं आईपीसी 420 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू आर्टिकल 192 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। जैसे ही 1950 में हमारा संविधान फोर्स हुआ, तो हमें एक साल बाद ही जून 1951 में अमेंडमेंट करनी पड़ी पहली। तो ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में था, क्योंकि रिसेंटली ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज करो इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला है रियो अर्थ समिट, दूसरा है बर्टलैंड रिपोर्ट, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनफोर्स्ड, और चौथा है लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर दिया है एनफोर्स बताना है कि एनफोर्स कब हुआ, ना कि ये कब बनाया गया। तो उससे पहले हम देखते हैं 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ ब्राज़ील के अंदर। इसकी तीन आउटकम्स हुई, एक बॉडी बनी UNFCCC, दूसरी बनी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी बनी कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन CCD। तो ये जो रियो अर्थ समिट है, ये हुआ 1992 में। अब अगला देखते हैं हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 में, इस दिन ये बना था 16 सितंबर। और इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। और ये एनफोर्स कब हुआ था, ये हुआ था 1989 में, दो साल बाद 1989 में। तो अगर आपको ये दो पता हैं, तो आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे और आपके पास दो बच जाएंगी, 50-50% चांसेस हो सकते हैं। अब बर्टलैंड रिपोर्ट देखते हैं हम, ये कब आई थी, ये आई थी 1987 में। और एक और रिपोर्ट थी, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये आई थी हमारी 1972 में। यानी कि फोर के बाद टू, और उसके बाद थ्री, और फिर वन। तो इसका सी आंसर है। एक आपने बात याद रखनी है, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसकी रिसेंटली 15th मीटिंग हुई है, COP 15। कहाँ पर हुई है, कैनेडा में, मॉन्ट्रियल में, कैनेडा में। इसका एक पार्ट चाइना में भी हुआ था, और उसके बाद जो रेस्ट मीटिंग थी वो कैनेडा में हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये अभी पिछले कल ही जो है ये मीटिंग ख़त्म हुई। तो इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डियर मनी पॉलिसी रेफर्स टू। तो
तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि डियर मनी पॉलिसी हम किसको बोलते हैं या फिर डियर मनी क्या होती है। डियर मनी वो मनी होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बोरो करने के लिए। एक्सपेंसिव, किसी ने अगर बोरो करनी है तो बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का क्या मतलब है कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको हम बोलते हैं। जब मार्केट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तब हम बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी चल रही है। एक और इसका जो अपोजिट है डियर मनी का वो है लूज़ मनी। लूज़ मनी या फिर चीप मनी। एक टर्म है M1 एंड M2, इनको हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी। और M3 एंड M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी। एक और टाइप होता है कॉल मनी। कॉल मनी वो मनी होती है जो बोरो की जाती है एक दिन के लिए। एक दिन के लिए जब हम पैसा बोरो करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। तो आपको याद होना चाहिए डियर मनी पॉलिसी कब होती है, जब मार्केट में हाई इंटरेस्ट रेट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो ये है साइंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इनकरेक्टली पूछा है कि गलत बताइए कौन सा पेयर गलत है। यहाँ पर आपने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, पेन आर जे सी, पेन एंड आर जे सी। पी से है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। आर से रदरफोर्ड, जे जे थॉम्सन और जे सी चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये इनके इन्वेंटर हैं तीनों के। तो क्वेश्चन में अब अगर हम देखें ऑप्शन सभी को देखें तो इनकरेक्ट हमने निकालना था। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है न्यूक्लियस चैडविक, क्योंकि यहाँ पर एन से क्या बताया मैं आपको, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और ये सारे आपने ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। एक आपने याद रखना है, ये जो प्रोटॉन है इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन जो नाम रखा था इसका कि उस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन होगा, तो वो किसने रखा था, रदरफोर्ड ने। और कुछ चीज़ें डिस्कवर की थी जैसे न्यूक्लियस, अल्फा एंड बीटा रेज और न्यूक्लियर फिजिक्स। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो रदरफोर्ड से रिलेटेड आपने ये 5 चीज़ें याद रखनी है कि ये इन्होंने डिस्कवर करी थी। और प्रोटॉन का इन्होंने नाम दिया था, डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया था लेकिन इन्होंने नाम दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैनाल इरीगेशन इज हाउ मच परसेंट ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया। तो आपने अप्रोक्सीमेटली बताना है कि जो हमारे इंडिया में इरीगेशन होती है कैनाल इरीगेशन वो कितने परसेंट है, कितनी परसेंट लैंड को वो कवर करती है। तो इसका आंसर है 20%। इंडिया का एरिया भी आपको पता होना चाहिए कितना है, 263 किलोमीटर स्क्वेयर। और ये पूरे वर्ल्ड में हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं एरिया वाइज, और पूरे वर्ल्ड का हम 2.4% एरिया कवर करते हैं। जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4 हिस्सा कवर करती है, और पॉपुलेशन 16%। पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे हैं, अभी हम फर्स्ट नंबर पे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हम सेकंड नंबर में हैं। और पूरे वर्ल्ड की हम 16% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और एरिया हम 2.4%। ये जो प्रेजेंट में 20% है, लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में तो उस टाइम थी 40%। तो यहाँ पर आपने याद क्या रखना है कि जो इंडिया में कैनाल इरिगेशन है वो विद टाइम डिक्लाइन हुई है। जब ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पर लिखा होगा स्टेटमेंट में कि इंक्रीज हुई है विद मॉडर्न टाइम या फिर विद एमर्जिंग टेक्नोलॉजी द कैनाल इरिगेशन फैसिलिटी या फिर एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपने ध्यान रखना है ये क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, एरिया डिक्लाइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, US प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है क्योंकि अभी बाई पोल हुए थे, वहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो पहली स्टेटमेंट है द US प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। दूसरा है नॉन रेजिडेंट ऑफ अमेरिका
कैन बिकम प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, तो आपने यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर है नन ऑफ द अबव। जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो इनबॉर्न होने चाहिए, यानी कि अमेरिका में ही उनका बर्थ होना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पर कौन सी वहाँ पर टर्म फॉलो की जाती है, जस सोली, सॉयल ऑफ द सन। इंडिया में कौन सी फॉलो होती है, जस सेंग्विनी, और अमेरिका में होती है जस सोली। और क्या कंडीशंस हैं कि पर्सन जो है वो 35 इयर्स का होना चाहिए और 14 इयर्स, लास्ट 14 इयर्स यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि बर्थ तो उसका अमेरिका में हुआ लेकिन पर्सन किसी और कंट्री में रह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 14 सालों में वो यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए, रेगुलर रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम इंडिया के भी देख लेते हैं, इंडिया में क्या क्या कंडीशंस हैं। इंडिया में भी सेम इनडायरेक्ट होता है, लोग इनडायरेक्टली वोट करते हैं। एज यहाँ पर भी 35 है, और जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। सिटीज़न वो कैसे हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय नेचुरलाइजेशन भी हो सकता है, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है और नेचुरलाइज्ड सिटीज़न भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि इंडिया के केस में दो कंडीशंस हैं, सिटीजनशिप में दो कंडीशंस हैं, या तो वो बाय बर्थ या फिर नेचुरलाइज्ड सिटीज़न। तो यहाँ पर आंसर है नन ऑफ द अबव, दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है, बताना है आपने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है, 1978 और आर्टिकल 300A में इसको इंक्लूड कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रीवी पर्स ऑफ रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स वॉज एबॉलिश्ड बाय 26th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन से ईयर में आई थी, 1971 में। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर इज, आपने ड्यूरेशन बतानी है एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर की, क्या ड्यूरेशन चलती है। तो इसका आंसर है जुलाई टू जून, जुलाई से जून हम एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर मानते हैं, जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, अप्रैल टू मार्च। और एक और टर्म होती है अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर किसका, सेंट्रल बैंक का, इंडिया के केस में आरबीआई का। तो ये पहले होता था 2020 से पहले जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर होता था वो होता था जुलाई से जून तक, जुलाई से जून। लेकिन 2020 के बाद आरबीआई ने भी अपना अकाउंटिंग ईयर सेम कर दिया है फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अब फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर आरबीआई का दोनों सेम हैं, अप्रैल से लेके मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ये है गवर्नमेंट का और ये है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का। तो ये टर्म आपने, ये कंसेप्ट है ये आपने याद रखना है कि अब चेंज हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असुर ट्राइब इज फाउंड इन, तो इसका आंसर है झारखंड। ये जो असुर ट्राइब है ये जो एडिटोरियल होता है उस सेक्शन में दिया गया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया था। असुर ट्राइब कहाँ पर होता है, झारखंड में। एक और आपने बात याद रखनी है कि जो हमारे अभी प्रेसिडेंट बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, 15th, आपको ये भी बताना चाहिए कौन से नंबर की बनी है। एक और आपको बात याद रखनी है कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो कौन सी कम्युनिटी से, कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ट्राइब का नाम है संथाल, संथाल ट्राइब। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है प्रेसिडेंट के बारे में, कौन से नंबर के बने, जो लोअर लेवल के पेपर हैं उनमें टर्म उनमें नंबर पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के बने, जो सीजीआई बने वो कौन से नंबर के बने, जो लोकसभा है हमारी वो कौन से नंबर की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने नंबर और उनका जो ट्राइब है किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।